अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हुदा जरीवाला, मैं इंटरनेशनल मीडिया को बिलोंग करती हूँ। मैं कई सारे मीडिया चैनल्स में एसोसिएटेड रही हूँ। बीबीसी लंदन से मेरा एसोसिएशन रहा है, सऊदी टीवी चैनल 2 पर न्यूज़ एंकर रह चुकी हूँ, इंडिया के एक चैनल में जॉब कर चुकी हूँ, दुबई के एक न्यूज़ चैनल को हेड कर रही हूँ, और कई सारे इंडिया के ऐसे नेशनल चैनल्स हैं जिस पर एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं डिबेटर बैठती हूँ। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ जम्मू में, जम्मू की इस खूबसूरत सरजमीन से जहाँ पे 10 साल के बाद, पूरे एक डेकेड के बाद यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले मैं कश्मीर में थी, कश्मीर की जो चुनावी सरगर्मियाँ थीं, वहाँ की जो इलेक्शन का माहौल था, सूरत हाल था, उसका जायज़ा लेके अब जम्मू में आई हूँ। आज इलेक्शन का लास्ट फेज़ है। जम्मू के मसले मसाइलों को जब मैंने समझा, यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत करी, यहाँ के जो इश्यूज़ हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनकी जो जम्मू वालों की मन की बात है, जब वो समझने की कोशिश करी, तो मुझे खासे तौर पे ये अंदाज़ा हुआ है कि 370 के हटने के बाद लोगों की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। इनफैक्ट बद से बदतर हालत हो गए हैं, किसी तरीके का कोई काम हुआ नहीं है। जम्मू में इतने सारे ऐसे कोर बेसिक इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया है। कुछ मसले जो मुझे टॉप ऑफ द माइंड लग रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ जिक्र करना चाहती हूँ उनका। एक बहुत मेजर इशू जो जम्मू का है वो है दरबार मूव का। समर कैपिटल हो जाता था कश्मीर, विंटर कैपिटल होता था जम्मू। अब क्योंकि 10 साल से ये हो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं ये दरबार मूव जो है वो लोगों की रोज़गार के लिए एक ख़ास तौर पे मसला बन चुका है। दरबार मूव में ये होता था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, कहीं सारी ऐसी तादाद में गाड़ियाँ हैं जो कश्मीर से जम्मू आया करती थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो टूरिज़म सेक्टर है उसको बूस्ट मिलता था। जो यहाँ पे गवर्नमेंट की लोग हैं जो अपनी रोज़गार इस टूरिज़म की वजह से चलाते थे, उसमें लोगों को ख़ास तौर पे एक सहारा मिलता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये दरबार मूव हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मसला बना हुआ है। अगर आप इसके अलावा जम्मू के कोर बेसिक इश्यूज़ देख लें, हम सड़क पे बात कर लेते हैं। इतनी बुरी सूरत हाल है यहाँ के सड़कों की। कली का किस्सा है जहाँ पे एक दुल्हन अपनी बहन के साथ जा रही थी और सड़क इतनी ख़राब हो रही थी कि कहीं ना कहीं उसकी गाड़ी के साथ साथ वो खुद भी नहीं बची है, बहुत बुरी कंडीशन में है। तो ये एक मसला है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। न जाने ऐसे कितने मसले हैं। यहाँ की जो सरकार है उन्होंने जम्मू वालों को वंचित रखा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ है उससे उन्होंने वंचित रखा, जो यहाँ के डोगरा कम्युनिटी है उनको किसी तरीके का जो स्कीम्स हैं, आप सिलेंडर मुफ्त स्कीम की अगर बात कर लें तो उसमें जो सब्सिडी मनी है वो लोगों को नहीं रिसीव हुआ है। उसके अलावा कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो सेंटर से जम्मू तक पहुँचती ही नहीं है। हेल्थ की अगर हम बात कर लें, जो आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनाया गया था यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। यहाँ पे लोगों को इलाज कराने के लिए इतनी समस्या होती है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम पे बस एक एम्स मौजूद है यहाँ पे, वो भी फुली फंक्शनल नहीं है। लोग कहाँ जाएंगे इलाज कराने के लिए? लोग अपने जो हेल्थ इश्यूज हैं उसका जो, या तो दिल्ली लोग चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं। आप खुद अपने स्टेट में जम्मू में क्यों इस तरह के हॉस्पिटल्स नहीं बनाते जहाँ पे लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके? अगर हम बात कर लें रिक्रूटमेंट स्कैम्स की, इतने ज़्यादा यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम्स हो रहे हैं। जे एंड के पुलिस में अगर हम देख लें, वहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसमें जाके इतने सारे स्कैम्स हुए हैं। उसके अलावा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है वो उसकी पोजीशन के लिए स्कैम्स हुए हैं। जम्मू अखनूर हॉटबेड हुआ करता था इस चीज़ का, जहाँ पे ये सारी प्लानिंग हुई है। उसके अलावा आप कश्मीर को मिलिटेंसी फ्री करने की बात करते थे, आप कहते थे कि यहाँ पे सिर्फ स्टोन पेल्टिंग होती थी, यहाँ का यूथ इतनी ज़्यादा जो हाइपर एक्टिव होता था, लेकिन आपने जम्मू की जो मिलिटेंसी है, जो यहाँ पे इंसर्जेंसी हो रही है, जहाँ पे हमारे जवान मर रहे हैं, उसको कब एड्रेस करेंगे आप? जम्मू में आप लोग जो केसेस हैं आते हैं मीडिया के सामने, उसको आप हाईलाइट तक नहीं होने देते। जम्मू के इतने सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मिलिटेंसी इतनी हाई है और आज भी हमारे जवान बच्चे, हमारे आर्मी के पर्सनल्स वहाँ पे मर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। आप अगर एरियाज की बात करें, पीर पंजल हो गया, चिनाब हो गया, रियासी हो गया, कठुआ हो गया, हमपुर, संभा,
आज भी यहाँ पे एक्टिव मिलिटेंसी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसको आप एड्रेस करिएगा, इसकी आप बात करिएगा, जनता के सामने आप कश्मीर को बदनाम करके झूठ मत फैलाइएगा। हमारे जम्मू में जो इतनी परेशानी हो रही है उसको भी साथ में एड्रेस करिएगा। और एक बहुत बड़ा जो इश्यू है वो है ड्रग्स का। ड्रग्स में आप बच्चों को धकेल दे रहे हैं। ड्रग्स इतना ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है, उसको ख़त्म करने के लिए आपने कितने अवेयरनेस सेंटर्स खोले, कितनी कैंपेन्स चलाई, कितने ड्राइव्स चलाए, कितने सारे ऐसे काउंसलिंग सेशंस है जो करे, थेरेपिस्ट को आपने अवेलेबल किया। इतना ज़्यादा यहाँ पे यूथ ड्रग्स में जा चुका है और यही यूथ फिर अब डिप्रेशन में जा चुका है। ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू है जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, आप हमारी जो यूथ है उसको बचा नहीं सकेंगे। और उसका पूरा का पूरा रीज़न है जो बेरोज़गारी है। अगर आप बेरोज़गारी को एड्रेस नहीं करेंगे, इन बच्चों को जॉब्स नहीं देंगे, जो बच्चे स्कूल से पढ़ के डिग्रियां लेके एजुकेशन लेके भी उनको अगर जॉब्स नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आप जम्मू के इश्यूज़ को, कश्मीर के इश्यूज़ को नहीं सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कहीं ना कहीं जम्मू वालों के हाईलाइट नहीं होते हैं। जम्मू वालों की ये शिकायत है कि कोई भी अगर स्कीम्स या पॉलिसीज़ हैं या टूरिज्म के नाम पे कोई चीज़ है तो वो कश्मीर वालों को मिल जाती है। हालांकि कश्मीरियों से जब मैंने इंटरेक्ट किया, कश्मीर में ग्राउंड जाके मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी, वहाँ की सूरत हाल देखी, तो कश्मीरियों को भी कोई वो पॉलिसीज़ का या एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके काम होना चाहिए थे वो मिले नहीं हैं। ना जम्मू वाले खुश हैं, ना कश्मीर वाले खुश हैं। आप बात कर रहे हो ये चुनाव में डोगरा सीएम की, आपने पूरा चुनावी कैंपेन जो मरकज है, जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी, अमित शाह जी हैं, उन्होंने पूरा कैंपेन सिर्फ एक डोगरा सीएम पे चलाया। अरे आपकी सरकार बनी थी ना महबूबा मुफ्ती जी के साथ, अलायंस में बीजेपी आई थी ना यहाँ पे, तब क्यों नहीं बना दिया आपने डोगरा सीएम? तब तो आप ही की सरकार थी, आप ही की मर्जी थी। तो ये सारी चीज़ें, चाहे डोगरा सीएम हो, चाहे कश्मीर का सीएम हो, बात है मेजॉरिटी की। जिसकी अक्सरियत होगी, जिसकी मेजॉरिटी होगी, वही सीएम आएगा। इट रियली डजंट मैटर अगर सीएम कोई डोगरा सीएम हो या कश्मीर का सीएम हो, बात है लोगों के मुद्दों को एड्रेस करने की। ये तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आपके सामने आती हैं, जनता के सामने अपने वोट्स बटोरने के लिए, वोट की अपील करने के लिए आती हैं, ये वैसे तो गायब रहती हैं, वैसे तो इनके पास इश्यूज कंसर्न करने के लिए, इश्यूज रखने के लिए कहीं कोई रोड मैप नहीं है। ये कहते हैं कि हम 370 के जो बात है, जो एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल का, 370 तमाम कैंपेनिंग आपने 370 पे चला दी। आपने लोगों के मसले कब एड्रेस किए, लोगों को जाके उनकी समस्याएं कब समझी? आपने यूथ को इंगेज किया, महिलाओं को इंगेज किया? सिर्फ अगर हम महिला सेफ्टी की बात कर लें, हमने देखा है पॉक्सो एक्ट के जो केसेस हैं वो मजीद बढ़ते जा रहे हैं, उसकी कौन बात करेगा? हम बात करते हैं अगर करप्शन की, तो हर डिपार्टमेंट में, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, करप्शन चरम सीमा पर है। उसको कब आप एड्रेस करेंगे? आप कश्मीरियों की बात करते हैं, आप जम्मू वालों की बात करते हैं, लेकिन इनके एड्रेस को, इनके जो कंसर्न्स हैं उनको तो एड्रेस कर नहीं पाते, इनके जो इश्यूज हैं उसको सामने रख नहीं पाते। इस पे मुझे अल्लामा इकबाल साहब का एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है, अर्ज करती हूँ। जम्हूरियत एक तर्ज हुकूमत है, जम्हूरियत एक तर्ज हुकूमत है, जिसमें जिसमें बंदे को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ये वाली बात इस जम्मू के चुनाव में, कश्मीर के चुनाव में, इस सूरत हाल पे बहुत बेहतरीन तरीके से बैठती है, क्योंकि जनता में परेशानियों की जो इंतहा है उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कितने सारे ऐसे इश्यूज हैं जो अगर मैं बात करने पे आऊँ तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मीडिया एड्रेस कम पड़ जाएगा। आप रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, आपने लोगों के ज़मीनें ले ली, गवर्नमेंट तो रिहैबिलिटेट करना भी नहीं चाहती थी। इस बात की क्या गारंटी है कि आप आगे जाके इनको, जो लोगों की आपने लैंड ग्रैबिंग कर ली है, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे? आप उनके लिए आपने क्या किया है? आप बात करते हो जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को डिवाइड करने की, आप बाहर से मीडिया वालों को लेके आ रहे हो और इस तरह की एक बड़ी स्पेसिफिक मीडिया बाइट्स ले रहे हो, जिसमें सिर्फ वो पॉइंटर्स आप आगे रख रहे हो, जैसे कि ये शो हो कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एक्चुअल समस्या है, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि किसी को नहीं फर्क पड़ता कि आप कश्मीरी हैं, आप जम्मू से हैं, आप मुस्लिम हैं, आप डोगरा हैं, आप सिख हैं, आप किसी भी समाज को बिलोंग करते हो, आपके इश्यूज एक ही है,
मीडिया वाले अगर कम्युनल लाइंस पे हिंदू मुस्लिम करके जम्मू और कश्मीर वालों को अलग करना चाह रहे हैं, तो आपकी ये घटिया मंशा कामयाब नहीं होने देंगे जेएनके के लोग। यहाँ पे आपस में खुलूस और मोहब्बत है। जितना कश्मीरी पंडित कश्मीर के लिए इम्पोर्टेंट है, जम्मू के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही एक मुसलमान, उतना ही एक डोगरा इम्पोर्टेंट है जेएनके के लिए। यहाँ पे आप लोगों को मजहब के नाम पे बांटना बंद करिए, नफरत फैलाना बंद करिए, काम करिए उनके लिए, उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करिए। आपस में नफरत फैला के आपको वोट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि जम्मू का वोटर बहुत जागरूक है। जम्मू का वोटर ये जानता है कि हम नफरत पे वोट नहीं करेंगे, आपकी ये नफरत का कारोबार ये नहीं चलने देंगे। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, यहाँ पे मोहब्बत की बात करेंगे, खुलूस की बात करेंगे। हम अगर इतने सारे मसले हैं जम्मू की, अगर हम बात करें, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ जम्मू में मिलता है। बियॉन्ड जम्मू आप थोड़ा सा आगे चले जाओ, पीर पंजल में, आगे डोडा में, ये सारे इतने बैकवर्ड इलाके हैं कि इनकी कोई बात ही नहीं करता। यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट कहीं सारे ऐसे हैं जम्मू के आगे जिनके बारे में लोगों ने सुना ही नहीं है। पीर पंजल का जो रेंज है, जो बनिहाल का रेंज है, वो इतने बैकवर्ड इलाके हैं जहाँ पे कोई बात नहीं करता है, कोई मीडिया वाला वहाँ पे नहीं जानता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रोड्स की सुविधाएं नहीं है वहाँ पे, लोगों के पास मेजर बिजली, सड़क, पानी नहीं है वहाँ पे, हेल्थ नहीं है कोई, आपने वहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं बनाए, गवर्नमेंट स्कूल्स एक के बाद एक बंद होते जा रहे हैं, बच्चों को आप शिक्षा प्रोवाइड नहीं करोगे, यही मुस्तकबिल में जाके आपके वोटर्स बनते हैं, आपके फ्यूचर लीडर्स बनते हैं, आपके जो सोसाइटी है उसका यही बच्चे आगे जाके एक अहम हिस्सा बनते हैं। आप उनको अगर इनिशियल स्टेज में शिक्षा से वंचित रखोगे तो क्या फ्यूचर होगा जम्मू का भी और कश्मीर का भी। आप अगर बात करते हो एप्पल्स की, जो एक मेजर यहाँ की हॉर्टिकल्चर एक मेजर कम्युनिटी है, एप्पल्स उसका एक मेजर बाय प्रोडक्ट है, आप एप्पल्स पे GST लगाते हो, जो कश्मीर से एप्पल आता है, जो जम्मू में आता है, जो यहाँ के लोग उसको लेके बिजनेस करना चाहते हैं उस पर GST लगा होता है, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर से जो एप्पल आ रहा है उस पर कोई GST नहीं है। तो क्यों आप अपने ही लोगों का बिजनेस का, ये जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, इनका क्यों आप गला घोट रहे हो? आप इनके रोजगार के लिए क्यों दुश्मन बने हुए हो? मेरी सरकार से दिली गुजारिश है कि जो एप्पल्स के लिए हाईवे से ट्रक आती हैं उनको ना रोका जाए। इन हाईवे पे जो ये एप्पल्स कर अपना बिजनेस करते हैं, इसको अननेसेसरली रोक के आप ये जो बिजनेस ओनर्स हैं, बेचारे स्मॉल कारोबारी हैं जो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, उनको नहीं रोकें। मैं जम्मू के कुछ बैकवर्ड इलाकों में गई हूँ, जो बिल्कुल रेंज, पाकिस्तान की रेंज पे, जो बॉर्डर रेंज पे कहीं सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे एक बहुत ऐसी बैकवर्ड कम्युनिटी है। हम गुज्जर्स की बात कर लें, हम बकरवाल्स की बात कर लें, ये ऐसी बैकवर्ड कम्युनिटी है जो आज भी सिर्फ और सिर्फ गाय और शीप को चढ़ाते हैं। इनका बेसिकली यही शीप रेडिंग का बिजनेस होता है। वो उनके पास आपने ट्यूबवेल्स की कोई सुविधा नहीं दी है। आज भी हम देखते हैं ट्यूबवेल्स में पानी नहीं आ रहा होता है। बिजली तो, सड़क तो बहुत दूर की बातें हो गई, उस पर तो आप बात ही नहीं करते हो, लेकिन पानी जो एक बेसिक ह्यूमन राइट है, आपने उनको पानी तक, उनके ट्यूबवेल्स पे पानी तक प्रोवाइड नहीं किया है, उनकी बात कौन करेगा? ये इतने बैकवर्ड गांव हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे लगते हैं, इनके पास कोई सुविधा गवर्नमेंट की जम्मू से आगे पहुंच ही नहीं पाती है। जब जम्मू वाले इतने परेशान हैं तो ये बैकवर्ड एरियाज वालों को कब आप एड्रेस करोगे? बहुत सारे ऐसे मसले हैं। टूरिज्म की अगर हम बात कर लें, 370 के बाद टूरिज्म कम हुआ है, कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि जम्मू में जो टूरिस्ट आते थे जम्मू के लिए, आपने ट्रेन की जो सुविधा कहते थे, आपके ट्रेन लाइन, ये हमारा लास्ट कॉर्नर है, लास्ट पॉइंट है, पता है अल्लाह ही जाने कब यहाँ पे ट्रेन की सुविधा आएंगी। महंगाई की बात कर ले, 10 सालों में महंगाई कम नहीं हुई है, बढ़ी है हर चीज में, चाहे लैंड की महंगाई की बात कर ले, चाहे किसी और चीज की बात कर ले, इलेक्ट्रिसिटी के लोगों के बिल्स इतने ज्यादा हैं पिछले 10 साल में, इसको कौन एड्रेस करेगा? इसमें कब बात होगी? सरकार को चाहिए, मरकज को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि लोगों के कोर इश्यूज को एड्रेस करें, आके लोगों के बीच गुजरे, बैठें, बात करें, उनकी समस्याएं समझें, तब जाके कहीं कोई काम होगा। कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी जो आती है, वो जब तक आपसे बात करके, आपके बीच बीच बैठ के आपके जो इश्यूज है उसको नहीं समझेगा, तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। मेरी आप लोगों के चैनल से जो भी देख रहा है, दिली ख्वाहिश है, दिली गुजारिश है
जो जनता मुझे देख रही है उनसे कि आप अपने लोकल लीडर्स को बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से चूज करें। अभी ये विधानसभा चुनाव का जो भी रिजल्ट आएगा, आगे जाके आपके लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, उस चुनाव में आप बहुत सोच समझ के अपने लोकल लीडर्स को चुने, क्योंकि यही जाके आपकी आगे आवाज बनते हैं, न सिर्फ म्यूनसिपैलिटी में, न सिर्फ लोकल बॉडी में, बल्कि आगे जाके विधानसभा और लोकसभा में भी इन्हीं लीडर्स के थ्रू आप अपने काम करवा सकते हो, अपनी आवाज सामने रख सकते हो, अपनी समस्याओं को सामने रख सकते हो। मैं एक बार फिर जम्मू के जो निवासी हैं, कश्मीर के जो निवासी हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे जो बेसिक ग्राउंड रियलिटी है, जो यहाँ की सूरत हाल है, उसको समझने में मेरी बहुत मदद करी। आप सबको एक बार मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि 10 साल लगे, 10 साल के बाद ही सही आप यहाँ पे एक जो सेलिब्रेशन माना जाता है वोटिंग को, ये वोटिंग का आपका संवैधानिक हक है, आप वोटिंग करने जरूर जाएं। आज इलेक्शन का लास्ट फेज है, जो आपके आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन है, जाके तादाद में वोट करिएगा, अपने लीडर्स को सही तरीके से चुनिएगा। वोटिंग को बॉयकॉट करके वो जो एक मानसिकता बनी हुई थी, उस मानसिकता से ऊपर उठ के वोटिंग करिए, क्योंकि ये एक ही दिन है जब आपका वोट और मोदी जी का वोट बिल्कुल एक बराबर होता है। मैं अपनी बात से बिल्कुल ख़त्म करूंगी इस शेर को बोल के। इकबाल साहब का जो शेर है मुझे याद आ रहा है, अर्ज़ किया है, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं, तेरे आगे आसमां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इम्तिहान और भी हैं, इम्तिहान और भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच।